हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह है लेक्चर नंबर 18, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो कभी भी किसी भी हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने पर बॉडी में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज को हम इधर लेके जा रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर लेके जाएंगे तो उस चार्ज पर हम जितना वर्क करेंगे वो उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, तो वो तो आ गया एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। हमें निकालना है किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहां पे देखिए। ओके, तो हमने एक यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। ओके, हम एक चार्ज को इस लोकेशन पर लेकर आए, इस पोजीशन पर। ओके, हमने एज्यूम किया कि हम Q1 चार्ज को इस लोकेशन पर लेके आए और ये लोकेशन का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। ओके, तो आप बताइए कि हमने Q1 चार्ज पर कितना वर्क किया। तो अगर यहां पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, यहां पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हमें Q1 को ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे? वर्क पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होती है जब हमें किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़े, किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़े। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी और हमने कोई भी वर्क इस पर नहीं किया होगा, तो इसको लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। ओके, अब हम इस पोजीशन पर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं। तो अब बताइए कि इस चार्ज को हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क करना है, करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? तो करना पड़ा, क्योंकि अब यहां पर ऑलरेडी Q1 चार्ज प्रेजेंट है और Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 को रिपेल कर रहा है, क्योंकि Q1 जब आया था उससे पहले यहां पे कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लिया था, तो इस पर फोर्स लगाने वाला कोई प्रेजेंट नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन अब Q2 चार्ज पर ये Q1 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। इट मींस Q2 को वर्क करना पड़ेगा। ओके, अब इन दोनों को लाने में जितना हमने टोटल वर्क किया वो इस दोनों पॉइंट चार्जेस की, इन दोनों सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, उसी तरह से हम अगर थर्ड चार्ज को लेके आए तो जब थर्ड चार्ज आएगा तो Q1 भी उस पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और Q2 भी थर्ड चार्ज पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ओके, जैसे फोर्थ चार्ज आएगा तो वन फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, वो तीनों चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल किस पर अप्लाई करेंगे? उस फोर्थ चार्ज पर। तो इस तरह से एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्जेस। एक चार्ज हो तो दो चार्ज हो तो दो चार्ज, तीन चार्ज हो तो तीन चार्ज। वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से चार्जेस को लेके आना है इन लोकेशंस पर, इन्फिनिटी से चार्जेस को लेके आना है इन लोकेशंस पर, जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वही इन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो अब सबसे पहले
हमें ये देखना है कि उस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद है, वर्क का फॉर्मूला भी याद है और पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है, तो वर्क कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम वर्क बराबर क्या लेंगे? फॉर्मूला पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, ये बात आप याद रखिएगा। और ये जो वर्क होता है यही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। ओके, तो यहां पर हम लेते हैं दो चार्जेस Q1 और Q2। हम इन्हें R1 वेक्टर R2 वेक्टर पोजीशन पर लेके आए हैं। कहां से लेके आए हैं? तो ये इनिशियली ये Q1 और Q2 चार्ज इंफिनिटी पर थे और हम इन्हें Q1 और Q2 चार्जेस को इंफिनिटी पर इनकी लोकेशन R1 वेक्टर और R2 वेक्टर पर लेके आए हैं। तो R1 वेक्टर है पॉइंट A और R2 वेक्टर है Q2 है पॉइंट B पर। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं। तो हमें बताइए Q1 चार्ज को पॉइंट A पर लाने में कितना वर्क करना पड़ा। हमें Q1 चार्ज को यहां पे लिखते हैं वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1। Q1 चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? तो जीरो, क्योंकि जब Q1 चार्ज को हम लेकर आए थे तो और कोई भी अदर चार्ज वहां पर पहले से ही प्रेजेंट नहीं था, ना कि कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था जो इस चार्ज को रिपेल करे। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज नो फील्ड अप्लाइड फोर्स ऑन Q1, क्योंकि Q1 पर कोई भी फील्ड एक्ट नहीं कर रहा था तो उसे लाने में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क किसके अगेंस्ट करेंगे? तो वर्क जीरो हो गया, क्योंकि पहले से वहां पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं Q2 को लाने में वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट बी। तो आपने देखा पहले जब A पॉइंट पर कोई पहले से कोई दूसरे का पोटेंशियल था? नहीं था। लेकिन इस बार B पॉइंट पर पोटेंशियल एक्ट है? हाँ है। पहले से ही Q1 यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q1 के कारण एक B पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है कि वर्क बराबर कितना होता है? चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? चार्ज Q2 के लाने में W2। किसको लेकर आ रहे हैं? चार्ज Q2 को, तो यहां लिखेंगे Q2 और पोटेंशियल किसका होगा? Q1 का। ओके, ये बात समझ में आई कि Q1 का पोटेंशियल यहां पर क्यों आया, किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें वर्क करना है? ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लगे रखिएगा। तो वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? Q1 का पोटेंशियल। ओके, आगे देखिए। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहां पर V1 कितना होगा? V1 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? KQ/R। R किस कहां से कहां तक? A और B के बीच की डिस्टेंस। तो A और B के बीच की डिस्टेंस को हम लेंगे R1 to 1 से लेकर 2। ओके, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? R1 to 2। तो ये समझ में आया? ओके, पहले वाले में जीरो, दूसरे वाले में चार्ज, पोटेंशियल किसका? V1 का। तो V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा? W2 Q2। V1 की वैल्यू कितनी है?
KQ1 upon R12 कितना आया इक्वल में KQ1 Q2 upon R12 okay so this is W2 अब टोटल वर्क कितना होगा W1 plus W2 W1 कितना है 0 plus W2 कितना है KQ1 Q2 upon R12 this total work is equal to electric potential energy of a system of point charges तो total electric potential energy कितनी हो गई KQ1 Q2 upon R12 okay so this is the potential energy याद रखना KQ1 Q2 upon R12 अब हम बाकी 3 charges के कारण 4 charges के कारण electric potential energy निकालेंगे तब ये formula याद रखेंगे okay. एक बात हमें और ध्यान देनी है कि अगर ये दोनों चार्ज अभी हमने पॉजिटिव लिए अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो भी यही फॉर्मूला आता क्योंकि तब भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करते अभी भी ये इसको रिपेल कर रहा है इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है हमें वर्क इधर की तरफ लगाना है तो हमारा पॉजिटिव वर्क है आप देखिए अगर ये चार्ज एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो क्या होता तब ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते बल्कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और हमें वर्क इस तरफ नहीं लगाकर ये तो अट्रैक्ट करते ध्यान दीजिए पहले केस में अभी ये रिपेल कर रहे हैं तो ये इसको रिपेल इधर कर रहा है मुझे वर्क इधर लगाना है ओके अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर ये एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो अट्रैक्ट करेंगे तो मुझे अगेंस्ट वर्क इधर करना पड़ेगा तो मुझे नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा इन केस ऑफ अट्रैक्शन ये बात आप ध्यान दीजिए इस केस में तो पॉजिटिव है अगर ये अट्रैक्ट करेंगे एक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तब की बात तब ये नेगेटिव वर्क हमें करना पड़ेगा और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी